वेलकम टू वेबजीफा इंस्टीट्यूट। हम देते हैं उन सभी को ऑनलाइन जॉब्स जो हमारे कोर्स करते हैं। हम सीख रहे हैं फोटोशॉप, तो हम आ जाते हैं हमारी फोटोशॉप की स्क्रीन पर। तो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कि टेक्स्ट टूल का यूज़ करके कैसे हम कोई टेक्स्ट डिज़ाइन यहाँ पे को क्रिएट कर सकते हैं। कोई टाइपोग्राफी अगर हमने यहाँ पे डिज़ाइन क्रिएट करनी है तो वो हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक यहाँ पे कोई लेयर क्रिएट कर लेनी है। नेक्स्ट हमें गूगल में से सिमिलर ही कोई यहाँ पे को जो है हम यहाँ पे एक टाइपो डिज़ाइन क्रिएट करने वाले हैं, तो हमें क्या करना है, गूगल में ही कोई टाइपो डिज़ाइन देख लेना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे गूगल पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पे को सर्च किया हुआ है टाइपोग्राफी डिज़ाइन, ओके। तो यहाँ पे हम देखेंगे कई सारे टाइपोग्राफी जो डिज़ाइन है यहाँ पे हमारे पास आ गए, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पे इंजॉय द सिंपल लाइफ अगर क्रिएट करना है तो यहाँ पे देखेंगे इसका फॉन्ट काफ़ी अलग है और इसका जो हमने इसे यहाँ पे को लिखा हुआ है तो वो भी काफ़ी अलग तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। ये वाले का हम चेक करेंगे तो इसमें भी काफ़ी अलग फॉन्ट है और इस वाले पे कलर भी काफ़ी अलग है। वैसे हम जितने भी यहाँ पे को देखेंगे डिज़ाइंस तो सभी में हम यहाँ पे देखेंगे अलग अलग फॉन्ट है सबका शेप। जैसे इस वाले का देखेंगे तो शेप काफ़ी अलग है, इस वाले पर देखेंगे कीप इट सिंपल, इसमें आधे पे वाइट दिया हुआ है और आधे पे कैसे दिया हुआ है, अलग कलर दिया हुआ है, ठीक है। अगर इसी में हम देखेंगे और भी कई सारे, जैसे यहाँ पे द और यहाँ पे हमारा कंपनी जो लिखा हुआ है वो थोड़ा सा राउंड शेप में कर्व में दिया हुआ है, ओके। ऐसे ही कोई अगर हम दूसरे देखेंगे, कोई हमें प्लेन भी दिए हुए हैं, कोई हमें थोड़ा सा रोटेट भी दिया हुआ है, कोई राउंड शेप में, कोई कैसे, तो यहाँ पे हम देखेंगे सब हमारे पास क्या है, अलग अलग है। जैसे इस वाले पे अगर हम देखेंगे तो इसमें शेडो दी हुई है, ठीक है। इस वाले पे सी पे हम देखेंगे तो सी पे भी यहाँ पे हमारी सी की शेडो दी हुई है। ऐसे ही यहाँ पे हमें अलग अलग कई सारे देखने को मिलेंगे। किसी में हमें जो है यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारा स्टे लिखा हुआ है वो क्या है, लाइट कलर पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ही इसकी शेडो में मींस बैकग्राउंड में लिखा हुआ है। ऐसे ही यहाँ पे देखेंगे कीप जो लिखा हुआ है, कीप का फॉन्ट देखेंगे, फॉन्ट काफ़ी अलग है। तो ऐसे ही यहाँ पे हमें अलग अलग फॉन्ट के काफ़ी सारे यहाँ पे को देखने को मिलेंगे। ऐसे ही अगर हमें यहाँ पे कोई क्रिएट करना है तो हम वो यहाँ पे से क्रिएट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे हम देखेंगे जो बी और आर लिखा हुआ है ये कैसे लिखा हुआ है, ये लाइंस यहाँ पे क्रिएट हुई है और लाइंस से ही हमारा जो वी और आर यहाँ पे को क्रिएट हुआ है। इन्हीं में से अगर हम कोई क्रिएट करना चाहें, जैसे हम मॉडर्न लाइफ हमारा क्रिएट कर लेंगे, तो मॉडर्न लाइफ पर हमने क्लिक किया, मॉडर्न लाइफ हम क्रिएट कर रहे हैं। तो इस इमेज को पहले हम कॉपी कर लेते हैं। नेक्स्ट हम फोटोशॉप पर जाएंगे, कंट्रोल वी कंट्रोल टी करेंगे, इसके साइज को बड़ा कर लेंगे, ठीक है। ये हमने इसके साइज को थोड़ा बड़ा कर लिया है, प्लेस करेंगे, मूव कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो मॉडर्न लाइफ है आ गया। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे टेक्स्ट टूल का यूज़ करना है। तो टेक्स्ट टूल हमने लिया, एक लेयर हम यहाँ पे को बैकग्राउंड के नीचे, एक बैकग्राउंड के ऊपर हमने एक लेयर क्रिएट करी, लेयर टू। अभी यहाँ पे जो बॉक्स हम देख रहे हैं ये खाली है। जैसे ही हम यहाँ पे हमने टेक्स्ट टूल सेलेक्ट किया है, हमारा जो टेक्स्ट टूल है इसका कर्सर हम देखेंगे तो टेक्स्ट टूल का आ गया है। इस पर हम जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे जो यहाँ पे हमारा लेयर टू पे बॉक्स है ये क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ पे को टी लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे टी टाइप हो जाएगा, मीन्स हमारा टेक्स्ट बॉक्स हो जाएगा, ये यहाँ पे टी हो गया है। तो यहाँ पे जो भी हम यहाँ पे टाइप करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे मॉडर्न टाइप करते हैं तो कलर हम चेंज कर लेते हैं, वाइट से ग्रे ले लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे मॉडर्न। तो ये हमने मॉडर्न लिखा। तो अभी हमें क्या करना है, इसी पे कोई दूसरा हमें फॉन्ट चूज करना है तो हम दूसरा फॉन्ट चूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम देखेंगे इमेज का फॉन्ट और ये वाला फॉन्ट काफ़ी अलग है, काफ़ी डिफरेंट है, तो हमें जो भी फॉन्ट चूज करना है वो हम यहाँ पे को फॉन्ट चूज कर सकते हैं, ठीक है। प्लेस करेंगे मॉडर्न पे, जो फॉन्ट हमने यहाँ पे डालना है वो यहाँ पे से चूज कर लेंगे। अगर ये वाला फॉन्ट लेना है या कोई दूसरा अगर फॉन्ट लेना है तो जिस भी फॉन्ट हमें जो भी चाहिए वो हम यहाँ पे से चूज कर सकते हैं, ठीक है। ये फॉन्ट हमने ले लिया है। अगर इस पे हमें क्या करना है, यहाँ पे से कोई उसे बोल्ड करना है या फिर उसको इटैलिक करना है तो जो भी उसमें चेंज करना है वो हम यहाँ पे से चेंज भी कर सकते हैं। ये हमने मॉडल ले लिया, अभी हमें क्या करना है, बोल्ड। अभी हमारा रेगुलर है तो रेगुलर में हम यहाँ पे सैंपल लिखा हुआ है, यहाँ पे को हम देखेंगे ये लाइट कलर में है और जो बोल्ड में हम यहाँ देखेंगे डार्क है। इसे जैसे ही हम बोल्ड करेंगे तो जो हमने मॉडर्न लिखा हुआ है ये डार्क हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा बोल्ड हो गया है। तो अभी क्या करना है, मूव टूल की हेल्प से हमें इसे थोड़ा सा मूव कर लेना है। अगर हमें इसके साइज को छोटा करना है, कंट्रोल टी करेंगे और साइज को मर्ज करके छोटा कर देंगे, ठीक है।
कि हमने इसके साइज को जितना हम छोटा करना चाहते हैं उतना हमने क्या किया, छोटा कर दिया, मूव कर लेंगे। नेक्स्ट हमें यहाँ पे लिखना है लाइफ। ओके, अभी मॉडर्न का जो कलर है, जिस हमें जो भी कलर चाहिए, मान लीजिए हमें अगर इमेज में से ही पिक करना है तो हम इमेज में से भी पिक कर सकते हैं। हमने यहाँ पे हमारे टेक्स्ट टूल पे क्लिक किया तो ऊपर हमारे टेक्स्ट टूल की ही टूल बार ओपन हो गई है। बोल्ड करना है, हमने बोल्ड कर लिया। अगर हमें इसके साइज को बढ़ाना है तो साइज को बढ़ा भी सकते हैं, साइज को कम करना है तो साइज को कम भी कर सकते हैं। ठीक है, कम हो गया है। अभी क्या करना है, कलर चेंज करना है। तो इस पर हम जाएंगे, कलर पिकर हमारा खुल गया है, तो जो भी कलर फिल करना है यहाँ पर से चूज करना है, यहाँ से भी चूज कर सकते हैं। या ब्लैक लेना है ब्लैक ले लेंगे, या फिर ग्रे लेना है डार्क में तो डार्क ले लिया। अगर मॉडर्न का जैसे कलर यहाँ पे इमेज में है वैसा ही चाहिए तो यही सेम हमने वैसे ही कलर यहाँ पे को क्या किया है, फिल कर लिया। ओके, तो ये हमने सेम कलर यहाँ पे ले लिया, ओके पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो मॉडर्न हमने ले लिया है। ऐसे ही मॉडर्न में क्या लेना है, लाइफ लेना है। इसमें और चेंज करना है, जैसे इस वाले का हमें विड्थ जो है वो ज़्यादा लग रही है, तो इस वाले की भी विड्थ को अगर ज़्यादा करना है तो क्या करेंगे, कंट्रोल टी, इस वाले की विड्थ को थोड़ा ज़्यादा कर लेंगे। ठीक है, ये हमने इसकी विड्थ बना ली है, प्लेस किया, तो ये मॉडर्न हमारा आ गया। अब क्या करना है, नेक्स्ट लाइफ। तो लेयर क्रिएट करेंगे, टेक्स्ट टूल सिलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे हमने क्लिक किया। अगर हम जो हमारा मॉडर्न है इस पर क्लिक करेंगे तो हम दूसरी लेयर भी सिलेक्ट करते हैं तो भी क्या होगा, हमारा मॉडर्न जो है उसी वाली लेयर पर खुद सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने सेकंड लेयर पर क्लिक करा है, हमने ये मॉडर्न पर क्लिक करा तो हमारा जो सिलेक्टेड लेयर थी लेयर टू थी, बट हमने मॉडर्न पर क्लिक करा टेक्स्ट टूल लेकर के तो वो मॉडर्न पर क्लिक हो गया। ठीक है, अगर हम मूव टूल के साथ ऐसे करते हैं तो मूव टूल के साथ ऐसा नहीं होता है। मूव टूल सिलेक्ट किया, अभी हमने मॉडर्न वाली लेयर करी सिलेक्ट। अगर हम लेयर वन सिलेक्ट करते हैं, जो लेयर वन कौन सी है, हमारी स्क्रीनशॉट वाली लेयर है। ठीक है, इस वाली लेयर को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद मॉडर्न को मूव करेंगे तो मॉडर्न मूव नहीं होगा। ठीक है, हम यहाँ पे मॉडर्न पे रखा है, इसे मूव कर रहे तो ये मूव नहीं हो रहा है। मूव कौन सी लेयर हो रही है, जो हमारी इमेज है। ठीक है, वो मूव हो रही है, ये इमेज हमारा जो टाइप हमने क्या है मूव नहीं हो रहा है। तो ये सिर्फ कैसे होता है, टेक्स्ट टूल पे होता है। ठीक है, तो टेक्स्ट टूल पे गए, लेयर टू पे गए, जहाँ पे ब्लैंक एरिया है वहाँ पे हमें क्लिक करना है। अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है, लाइफ। तो ये हमें लिखना है स्मॉल पे, एल आई एफ ए लाइफ। ठीक है, ये हमने लाइफ लिख लिया है, प्लेस करेंगे। अभी क्या करना है, इसमें कोई भी चेंज करना है तो हम इसमें चेंज कर सकते हैं। अब चेंज कहाँ से करना है हमें, ठीक है, तो चेंज कहाँ से करना है देखेंगे। सबसे पहले अगर हमें इसमें कोई दूसरा फॉन्ट चाहिए तो हम इसमें फॉन्ट जो भी हमें यहाँ पे चूज करना है वो हम चूज कर सकते हैं। जैसे हमने ये वाला फॉन्ट चूज कर लिया, या कोई दूसरा हमें फॉन्ट चूज करना है तो जो भी फॉन्ट सिलेक्ट करना है उसे यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे करेक्टर, जहाँ पे ए बना हुआ है इसे बोलते हैं करेक्टर, इस पर हमें क्लिक करना है। तो इसमें जो भी हम चेंजेस करना चाहते हैं वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर से भी कोई दूसरा अगर हमें सिलेक्ट करना है फॉन्ट, तो हम यहाँ से भी कोई दूसरा फॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी फॉन्ट हमें सिलेक्ट करना है वो फॉन्ट हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, इनमें कोई चेंजेस करना है, इनमें अंडरलाइन लेनी है बीच में, ये बीच में अंडरलाइन आ जाएगी। अगर इसमें नीचे से अंडरलाइन लेनी है तो नीचे से अंडरलाइन आ जाएगी। ठीक है, तो जो भी इसमें चेंजेस करना है वो यहाँ पे एल हमारा स्मॉल हो गया और आई एफ ई हमारा कैपिटल है। ठीक है, ऐसे हमें सब कुछ कैपिटल करना है तो इस पर क्लिक कर लेंगे, और कोई चेंज करना है तो वो चेंज कर लेंगे। तो जो भी इसमें चेंज करना चाहते हैं देखेंगे हम एल पे चेंज हो रहा है। ठीक है, तो जो भी चेंजेस इसमें करना है वो यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं। इटैलिक करना है इटैलिक हो जाएगा। ठीक है, और चेंज करना है तो चेंज हो जाएगा। ये हमने बोल्ड कर लिया है तो बोल्ड करना है बोल्ड कर सकते हैं। जो भी चेंजेस इसमें करना है वो हम यहाँ पे को क्या चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें कुछ चेंज करना है या फिर कोई भी हमें जो भी चेंजेस करने हैं वो हम यहाँ पे से कर सकते हैं। इनमें क्या करना है, इनमें लेटर में स्पेसिंग ज़्यादा करनी है या फिर लाइन में करनी है या फिर उन्हें पास लेके आना है तो वो हम कर सकते हैं। तो जो भी चेंज करना है वो हम यहाँ पे को कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर से भी चेंज कर सकते हैं। और अगर इसमें क्या करना है, फॉन्ट हम यहाँ से भी चूज कर सकते हैं। सेम फॉन्ट अगर हमने क्या करना है यहाँ पर से चूज करना है तो हम यहाँ से भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसमें क्या किया है, फॉन्ट हमने इसका चेंज कर लिया है। अगर हमें दूसरा कोई फॉन्ट चूज करना है तो हम यहाँ से कोई दूसरा फॉन्ट भी चूज कर सकते हैं। तो यहीं पे जाएंगे वापस से फॉन्ट पे, फॉन्ट जो भी हमें यहाँ से चूज करना है वो हम यहाँ से चूज कर लेंगे। अगर हमें ये वाला फॉन्ट चूज करना है, ये वाला फॉन्ट चूज कर लिया, कोई दूसरा, अभी इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा है रेगुलर का, इसमें हमें क्या करना है, इसको बोल्ड करना है। तो इसको कैसे बोल्ड करेंगे, वापस से जाएंगे यहाँ पे करेक्टर पे, करेक्टर पे हम देखेंगे बोल्ड का ऑप्शन, तो ये बोल्ड हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से हमने इसे बोल्ड करना है बोल्ड कर लेंगे, और कोई चेंजेस करना है तो इस पर हम चेंजेस कर लेंगे। ठीक है, प्लेस करेंगे,
अभी क्या करना है, इस पर कलर चेंज करना है, तो कलर भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो भी हमें यहाँ से कलर देना है, स्ट्रोक पे कलर देना है तो हम वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कैंसिल, इस पर क्या करना है, कलर चेंज करना है। तो सबसे पहले हमने टेक्स्ट टूल सिलेक्ट किया हुआ है, तो हमारी टूल बार जो है यहाँ पे टेक्स्ट टूल की ओपन हुई है, इसी में से हमें क्या करना है, यहाँ पे कलर का बॉक्स दिख रहा है, इस पर जाना है, जो भी हमें इसका कलर चूज करना है वो हम यहाँ से कलर चूज कर लेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, तो ये हमारा यहाँ पे कलर चेंज हो गया, ठीक है। तो जो भी हमने यहाँ से कलर सिलेक्ट करना था वो हमने यहाँ से क्या किया है, कलर इसका सिलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पर से भी हम देखेंगे इसके साइज को छोटा करना है या फिर बड़ा करना है, तो जो भी इसमें चेंजेस करना है वो हम यहाँ पर से चेंजेस कर सकते हैं इस पर, ठीक है। इस वाले पे देखेंगे इसकी जो लेटर है उनके बीच में अगर स्पेसिंग ज़्यादा करनी है तो यहाँ पे से उनकी स्पेसिंग को हम ज़्यादा कर सकते हैं, कम करना है तो फिर कम भी कर सकते हैं, ठीक है। जितना भी कम करना है या फिर ज़्यादा करना है, जो भी चेंजेस करना है तो वो हम यहाँ पे को चेंज कर सकते हैं। तो अभी हमें ज़्यादा स्पेस नहीं चाहिए तो हम इसे क्या करेंगे, कम ही रखेंगे, ठीक है। तो हमने इसके स्पेस को जो है वो यहाँ पे को कम कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, लाइफ हमने ले लिया है, लाइफ को यहाँ पे लेके आना है। अगर हम थोड़ा अलग तरीके से लेके आते हैं, स्मॉल में, कैपिटल में, या कोई भी चेंजेस करके, तो वो भी हम लेके आ सकते हैं, ठीक है। अगर हमें ऐसे ही चाहिए तो हम ऐसे भी लेके आ सकते हैं। साइज इसका बड़ा रखना है, छोटा रखना है, जिस भी तरीके से रखना है, कंट्रोल टी करेंगे, साइज को छोटा करना है तो इसके साइज को थोड़ा छोटा कर लेंगे, रोटेट करना है तो थोड़ा सा रोटेट कर लेंगे, ठीक है। तो जिस भी तरीके से इसको चेंज करना है वो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो हमने लाइफ लिखा है, ये हम यहाँ पे को ऐसे करके लेके आ देंगे। इसमें क्या करना है, थोड़ा सा चेंजेस करना है तो चेंज कर लेंगे, अगर फॉन्ट चेंज करना है या कोई और इसमें चेंजेस, कलर चेंज करना है या भी जो भी हमें यहाँ पे चेंजेस करने हैं वो हम यहाँ से कर सकते हैं। अगर जैसे अभी हमने ये वाला सिलेक्ट किया हुआ है, इन्हीं में से अगर कोई दूसरा हमें सिलेक्ट करना है तो हम दूसरा यहाँ पे को चूज़ कर सकते हैं, जो भी हम सिलेक्ट करना चाहते हैं। ये वाला लाइफ सिलेक्ट करना है तो ये वाला कर लेंगे, इन्हीं में कोई दूसरा करना है तो दूसरा कर लेंगे। तो जैसा भी आपको ठीक लगता है वो वाला आप यहाँ पे से क्या कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें यही वाला रखना है तो ये हमने सिलेक्ट किया, कंट्रोल टी किया, इसमें इसकी हाइट को बढ़ाना है, विड्थ को बढ़ाना है, जो भी चेंजेस करने हैं वो हम चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। रोटेट करना है थोड़ा रोटेट कर लेंगे, साइज को बढ़ाना है तो थोड़ा सा साइज को हम यहाँ पे को बढ़ा लेंगे और इसे मूव कर लेंगे। तो ऐसे ही जो भी इसमें चेंजेस करने हैं वो चेंजेस करेंगे, ओके पे क्लिक किया। तो सेम हमने यहाँ पे जो मॉडर्न लाइफ है इसी से सिमिलर हमने यहाँ पे मॉडर्न लाइफ क्रिएट कर लिया। अगर हमें मॉडर्न जो है हमारा इसे स्मॉल रखना है, हमारे लाइफ को कैपिटल रखना है, हम वो कर सकते हैं, या फिर लाइफ को स्मॉल रखना है, मॉडर्न को कैपिटल रखना है तो वो कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, इस वाले पे लाइफ हमारा ऊपर दिख रहा है, अगर हमें मॉडर्न को ऊपर शो करना है तो मॉडर्न की लेयर को हम ऊपर कर देंगे। अगर हमें उसी लेयर को ऊपर रखना है तो क्या करेंगे, लाइफ को हम ऊपर करेंगे और मॉडर्न को नीचे कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हमें लाइफ की ऑपेसिटी को कम करना है कि हमारा मॉडर्न जो है वो भी हमारा जितना एरिया छुप रहा है वो हमें दिखना चाहिए, ठीक है, जितना हाइड हो रहा है वो शो होना चाहिए, तो ऑपेसिटी को कम कर देंगे तो मॉडर्न भी हमारा क्लियरली यहाँ पे को हमें शो होगा, ठीक है, ऐसे करना है। और अगर हमें इसे सेंटर करना है तो क्या करेंगे, अगर हम इन्हें एक साथ सेंटर कर देते हैं दोनों लेयर्स को, तो शिफ्ट के संग हमने दोनों लेयर सेलेक्ट करी, अब हम इसे करेंगे कंट्रोल ए, इसे लेयर सेलेक्ट हो गई, अब इन्हें अगर हम सेंटर करते हैं तो ये एग्जैक्ट सेंटर हो जाएंगे दोनों, बट हमें क्या करना है, लाइफ को हाफ मॉडर्न पर रखना है, हाफ नीचे रखना है, तो हम कंट्रोल डी, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, लाइफ को हमें मूव करना है, लाइफ है, लाइफ हमें हाफ में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक ग्रुप क्रिएट करेंगे, हम लेयर यहाँ पे से क्रिएट करते हैं, सेकंड नंबर पे हमारा लेयर है तो लेयर वन यहाँ पे लेयर क्रिएट हो गई, तो हमें लेयर के ही बगल पे ग्रुप है, ग्रुप वन ग्रुप क्रिएट करना है, ऐसे ही ग्रुप टू ग्रुप थ्री आ जाएगा, ठीक है। तो हमें ग्रुप वन हमने क्रिएट कर लिया, दोनों लेयर्स को हमें क्या करना है, हमारे ग्रुप में डालना है, ठीक है, दोनों लेयर्स हमने कहाँ डाली, हमारे ग्रुप में। अब हम ग्रुप की आइज क्लोज करेंगे तो हमारी ये दोनों की आइज खुद ही क्लोज हो जाएगी और जो हमारा मॉडर्न लाइफ है वो यहाँ पे हाइड हो जाएगा, ठीक है, शो नहीं होगा। तो ये यहाँ पे इन दोनों की आइज लाइट हो गई है, ऑफ नहीं हुई है बट लाइट हो गई है, इस वाले की डार्क है, इनकी लाइट है और हमारा यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, ग्रुप को क्लोज करेंगे तो ये दोनों हमारे ग्रुप में चले जाएंगे, ठीक है, ग्रुप क्लोज किया तो ग्रुप में चले गए, ग्रुप ओपन करेंगे तो शो हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी ये ग्रुप में हो गए, ग्रुप में होने के बाद अब हम क्या कर सकते हैं, अभी हमने ग्रुप सिलेक्ट किया है तो अब हम इसे सेंटर कर सकते हैं, तो करेंगे कंट्रोल ए, टॉप टू बॉटम सेंटर, राइट टू लेफ्ट सेंटर, कंट्रोल डी, तो अभी हमारा एग्जैक्ट सेंटर हो गया है,
ठीक है, अब हमारा एग्जैक्ट सेंटर हो गया। अभी हमने इससे पहले जब ग्रुप में नहीं डाला था इन्हें, तब सेंटर कर रहे थे, तो क्या हो रहा था, हमारा लाइक जो है मॉडर्न के सेंटर पे आ जा रहा था। अभी एग्जैक्ट वहीं पर है जहाँ पर हमने रखा था, ठीक है। अभी हमें पूरी मॉडर्न लाइफ को अगर रोटेट करना है तो अभी हम इसे थोड़ा सा रोटेट कर सकते हैं, इसके साइज को बड़ा करना है तो अभी हम इसे थोड़ा सा साइज को बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल टी, मर्ज, साइज को जितना भी बढ़ाना है, थोड़ा रोटेट करना है तो रोटेट कर लिया। तो अब जो चेंजेस करने हैं, हमने इसे सेंटर करना है तो ग्रुप में डालेंगे, उसके बाद हम इसे सेंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हमें कोई दूसरा अगर क्रिएट करना है तो वो भी हम यहाँ पे को क्रिएट कर सकते हैं। अगर दूसरा कोई हम अलग कलर में फिर अलग कोई डिज़ाइन में क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही अभी हमें इसे सेव करना है, तो इसे सेव कैसे करेंगे, बैकग्राउंड ऑफ करके, ओके। अगर हम यहाँ पे कोई टाइपो डिज़ाइन क्रिएट करते हैं, अगर हमें उन्हें सेव करना है तो उन्हें हम कैसे सेव करेंगे, बैकग्राउंड ऑफ करके, ठीक है। किसी भी टाइपो को हम डिज़ाइन को हमारे यहाँ पे लेयर हमारा बैकग्राउंड ऑन करके नहीं सेव करेंगे, ऑफ करेंगे। उसके बाद फाइल पे जाना है, फाइल पे जाने के बाद सेव एस पे जाना है। सेव एस पे जाने के बाद इसे जिस भी नेम से हम सेव करना चाहते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमें क्या करना है, मॉडर्न लाइफ करके इसे सेव करना है, तो हम सेव एस पे जाएंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे मॉडर्न लाइफ, ठीक है। मॉडर्न लाइफ हमने किया, इसे हमने सेव करना है पीएनजी में, ओके। बैकग्राउंड ऑफ रखना है और पीएनजी में हमें क्या करना है, इसे सेव। तो पीएनजी यहाँ पे ओके का ऑप्शन आ रहा है, ओके पे क्लिक करेंगे, बैकग्राउंड ऑफ करके पीएनजी में हमने इसे सेव कर लिया है। ऐसे ही हमें क्या करना है, जितने भी हम टाइपो डिजाइन क्रिएट कर रहे हैं वो हमें बैकग्राउंड ऑफ करके ही सेव करना है, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने सीखा कि कैसे हम कोई टाइपो डिज़ाइन यहाँ पे को क्रिएट कर सकते हैं, टाइपोग्राफी डिज़ाइन। थैंक यू।